दोस्तों नमस्कार वेस्टइंडीज और आयरलैंड की सीरीज के बाद अब भारत का जो अगला इम्तिहान है टीम इंडिया का वो है एशिया कप और एशिया कप से पहले एक कैंप लगेगा और कैंप एनसीए बेंगलुरु में लगेगा और वो कैंप गुरुवार से शुरू हो रहा है जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं छटपटाहट शुरू हो गई है प्लेयर्स आने जाने लगे हैं और हम आपको ये भी याद दिलाते हैं कि आयरलैंड का जो दौरा है जिसमें बुमराह जसप्रीत बुमराह जो कप्तान के तौर पर जिन्होंने वापसी की है संजू सैमसन हैं प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने शानदार वापसी की है बुमराह की तरह ही और ये तीनों खिलाड़ी जो हैं आयरलैंड का दौरा खत्म होने के तीन दिन के बाद इस कैंप से जुड़ जाएंगे वहीं अगर हम बात करें भारतीय अन्य भारतीय खिलाड़ियों की तो वेस्टइंडीज का दौरा खत्म हुआ उसमें कई खिलाड़ी जो हैं अपने घर चले गए चाहे वो हार्दिक पांड्या हो चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो और अब वो घर से सीधे पहुंचेंगे पहुंचे हैं एनसीए में और वहीं विराट कोहली रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पहुंच चुके हैं एनसीए बेंगलुरु में और उनतीस अगस्त तक ये कैंप लगेगा और ये कैंप के काफी मायने हैं महत्वपूर्ण कैंप है ये क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का बारीकी से आकलन किया जाएगा क्योंकि तो आप पांच छह दिन के कैंप में आप पूरी तरह से सब कुछ नहीं बदल सकते लेकिन आप आसपास का जो अगला जो टूर्नामेंट होना है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं अब अब आप देखिए ना ईशान किशन जो कि पहले मैच में जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होना है उसमें वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि केएल राहुल अभी फिट नहीं है निकल इंजरी है उनको अगर वो नहीं खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईशान किशन खेलेंगे और वो खेलेंगे तो फिर ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ तो राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर पैनी नजर बनाए हुए हैं अब हमें यह भी याद रखना होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान ने झंडे गाड़े हैं खासकर बॉलर्स ने उसके खिलाफ भारत को भी अपनी रणनीति बनानी होगी हैरिस राउफ़ एक ऐसे खतरनाक बॉलर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं जो पहले विकेट लेते थे रन भी लुटाते थे लेकिन अब वो विकेट भी ले रहे हैं रनों पर भी अंकुश लगा रहे हैं तो दोनों चीजें एक साथ और हार्ड लेंथ की गेंदें काफी कामयाब हो रही हैं श्रीलंका में तो वो लेंथ बॉल पर पूरी तरह से कंसंट्रेट किए हुए हैं कंसिस्टेंसी लेवल उनका बहुत अच्छा है वैरायटी है उनकी गेंदबाजी में गति है हालांकि वो कहते हैं कि वो गति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन 150 किलोमीटर ऐसे ही नहीं आ जाती 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ओवर में अगर आप दो गेंद करते हैं या दो से ज्यादा गेंद करने की कुवत रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आ, हैरिस राउफ के लिए सोचना होगा भारतीय टीम को और इतना ही नहीं जो नई गेंद होती है उसमें जिस तरह से शाइन शाह अफरीदी गेंदबाजी कर रहे हैं शुरुआती ओवर नहीं तो दूसरे ओवर में वो विकेट जरूर चटकाते हैं वो भी एक नहीं दो दो विकेट चटकाने ही उनको आदत पड़ गई है तो ये भारतीय टीम के लिए एक खतरे की घंटी है भारतीय टीम के लिए नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा दुनिया भर की तमाम टीमों के लिए क्योंकि भारतीय टीम खासकर फंसती रही है शुरुआती ओवरों में और चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला हो चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला हो अब यहां से भारत को अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी होगी कि कैसे सामना करना है खासकर शाहीन शाहफीदी का हैरिस राउफ का और तो और अगर विकेट स्पोर्टिंग ना हुई विकेट पूरी तरह से स्पिनर फ्रेंड स्पिन फ्रेंडली हुई तो वहां पर भी नसीम शाह काफी कारगर साबित हो सकते हैं वैसे अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ वहां पर भी जो विकेट थी वो सूखी विकेट थी स्पिनर्स के लिए काफी मददगार विकेट थी लेकिन उसके बावजूद वहां तेज गेंदबाजों ने अपना एक अलग ही जलवा बिखेरा है तो उम्मीद करनी चाहिए कि भारतीय खिलाड़ी अब इस घटना से सबक जरूर सीखेंगे और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी का हिस्सा होंगे ईशान किशन बतौर ओपनर और रोहित शर्मा जो है बल्लेबाजी में आपको नीचे दिखाई पड़ सकते हैं हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ संकेत नहीं आया है लेकिन ईशान किशन को की कि जो बड़ी पारियां हैं चाहे वो डबल सेंचुरी हो बांग्लादेश के खिलाफ वो भी बतौर ओपनर ही आई है तो अगर बीच के ओवरों में रोहित शर्मा आते हैं तो वो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं रन गति को एक्सलरेट कर सकते हैं बस यह है कि ईशान किशन क्योंकि बाएं हाथ से खेलते हैं तो बाएं हाथ का बल्लेबाज ज्यादा अच्छे तरीके से इन स्थितियों का सामना कर सकता है आप क्या सोचते हैं अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार